अमरीका डोंकी का कराए थे भाई। दो नंबर में जाएगा कोई फायदा नहीं है भाई। ऐसा है देख, पता क्या, माँ बाप का कल्ले बालक हूँ भाई। 35-40 लाख रुपए दे रखे हमारे माँ बाप ने, अब ना 2 महीने हो गए हमारे माँ बाप तो बात भी नहीं करी भाई। देख कोई बंदा अगर बीमार होगा, 17-17 दिन रखे हैं माफिया ने, कभी 8 दिन भूखे रहे या कभी 5 दिन भूखे रहे, खड़े होते थे चक्कर आते थे, ऐसे हालात है, वहाँ खाना नहीं देते, पानी टॉयलेट में से पीना पड़ता था। इंडिया में हर साल बहुत सारे लोग काम के तलाश में US, UK और कनाडा जैसे देशों में जाते हैं। लीगल रास्ते से सही डॉक्यूमेंट्स के साथ जाने वाले लोगों के अलावा हजारों लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी वीजा ये सही डॉक्यूमेंट्स के अवैध रूप से इन देशों में जाते हैं। ट्रेवल एजेंट्स इनसे लाखों रुपए लेते हैं और इलीगल रास्तों से इन्हें एंट्री करवाते हैं। इन्हीं इलीगल रास्तों को डंकी फ्लाइट कहा जाता है। डंकी ये वर्ड पंजाबी मुहावरे पर बेस्ड है, जिसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। किसी भी कंट्री में जाने के लिए लोग जिस डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं वो काफी खतरनाक होता है। पैर देखो, पैर भाजी रोड़े यार, रोड़ियां ते चलने, रोड़ियां ते किलोमीटर चल पे, रोड़ियां ते 16 किलोमीटर। ठीक है वीरे, 7 दिन हो चले आ, रोटी नहीं मिली। कोलंबिया के जंगल च पनामा एंटर होना, आज हो जाइए कल हो जाइए, आवाई देख लो। जिस रूट का इस्तेमाल ये लोग दूसरे देशों में जाने के लिए करते हैं वो काफी खतरनाक होता है, जहां इन्हें पहाड़ों और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है, जहां पे जानवर और सांपों के काटने का खतरा होने के साथ साथ वहां के माफिया वगैरह से लूटने का खतरा भी बना रहता है। कई कई दिनों तक इन्हें भूखे पेट पैदल ही चलना पड़ता है। हर साल कई ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कई लोग ऐसे प्रोसेस में अपनी जान तक गंवा देते हैं और बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए एजेंट्स इनसे 30-50 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये लोग वहाँ सही सलामत पहुँचेंगे भी या नहीं। कम से कम 80-80 लाख लोग किसी गए हैं US लाने के लिए, तो मैक्सिको तक के पैसे होते हैं, वहाँ पे एक दीवार है तो ये सिर्फ उस दीवार तक के पैसे लेते हैं 15 लाख। पूरा पनामा पैदल क्रॉस करना पड़ता है, जंगल भी है, पहाड़ी एरिया भी है, ऊपर चट्टानों से भी चलना पड़ता है। फौजियों के साथ ही उनकी कोई सेटिंग है, वो उन्हीं के थ्रू डोंकी लगवाते हैं, पीछे गाड़ी में बिठा के ऊपर जैसे कुछ कपड़े वगैरह ढक देते हैं वो, तो ऐसे नीचे लेटा देते हैं। साल 2022 में गुजरात के गांधीनगर के डिगुचा गांव में रहने वाले जगदीश पटेल एक एजेंट को 65 लाख रुपए देकर डोंकी प्रोसेस के थ्रू अपनी वाइफ और 2 छोटे बच्चों के साथ अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। 12 जनवरी 2022 को जगदीश पटेल अपनी वाइफ और बच्चों के साथ गुजरात से टोरंटो तक की फ्लाइट पकड़ते हैं और इस डोंकी प्रोसेस का मतलब था कि इनका एजेंट इन्हें US कनाडा बॉर्डर के पास तक ड्रॉप करेगा और बाकी रास्ता इन्हें खुद चलकर जाना होगा और इन्हें US बॉर्डर को इलीगल तरीके से क्रॉस करना होगा। टोरंटो में लैंड करने के बाद जब पटेल फैमिली इलीगल तरीके से US बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए सिर्फ कुछ ही किलोमीटर चलती है कि रास्ते में ही बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण सबकी मौत हो जाती है। Fighting against the harsh conditions, they discovered something terrible in the snow. Or 5 feet into Canada, there was 3 of them. I didn't see the incident. Oh. Little baby and probably about a 9 or 10 year old and their father. Oh. People on another body over by the Canadian gas plant here. Oh my. That walked away. So there's 4 up here total, I guess. इन चारों ने बेहद बर्फीले मौसम में अपना दम तोड़ दिया था। शायद जगदीश पटेल और उसकी फैमिली इस बात से अनजान थे कि उन्हें -35 डिग्री सेल्सियस की ठंड में बॉर्डर क्रॉस करना पड़ सकता है। लेकिन जगदीश का परिवार एक लौता ऐसा नहीं है, बल्कि हर साल हजारों की तादाद में इंडियंस इलीगल डोंकी प्रोसेस के थ्रू कोशिश करते हैं USA, UK और कनाडा जाने की और इस चक्कर में वो अपनी जान तक गंवा देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इन देशों में क्यों जाना चाहते हैं। इसका जवाब है बेहतर लाइफस्टाइल और ज्यादा पैसे। कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि उन्हें उनके काम के बदले इंडिया में बहुत कम पैसे मिलते हैं और वो दूसरे देशों में जाकर ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वीजा को लेकर भी कई बार इन लोगों को अमेरिका, UK जैसे देशों में जाना आसान नहीं हो पाता, तो ये लोग डंकी रूट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। फिर चाहे इसमें कितना भी खतरा हो, वो अपने पसंदीदा देश जाने के लिए हर रिस्क उठाने को तैयार रहते हैं। डंकी फ्लाइट को यूज करने का सबसे बड़ा फैक्टर है इसका सक्सेस रेट, क्योंकि जिन लोगों की फैमिली डंकी रूट से जाने में सक्सेसफुल हो जाती है तो उन लोगों पर इसका बहुत ज़्यादा असर हो जाता है कि यह बहुत इजी काम है और बस वो लोग इस तरीकों से दूसरे देशों में जाना प्रेफर करते हैं और उनका देखा देखी दूसरे लोग भी इसी तरीके से जाना पसंद करते हैं।
सिर्फ बेहतर जीवन की तलाश में सालों से कई लोग इल्लीगल तरीके से अपने और अपनी फैमिली की जान जोखिम में डालकर दूसरे देशों में बसना चाहते हैं। शाहरुख खान की मूवी डंकी भी एक ऐसे ही स्टोरी पर बेस्ड है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।